बच्चों, नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चावल और लौकी और दूध का नमकीन चावल बनाने जा रही हूँ। उसके लिए एक लौकी एकदम बिना बीज का और मैं एक पाव चावल ली हूँ और आधा किलो दूध। इस तरह से आप इसको छील लीजिए और कद्दूकस में इसको कस कर लेना है। ये लौकी को, लौकी एकदम नरम होना चाहिए बिना बीज का और चावल नया चावल होना चाहिए। सीजन आ गया है नया चावल का, पुराना चावल से ये नहीं बनता है, नए चावल से ही बनता है। और ये ठंडी में ही बना के खाया जाता है। इसको इस तरह से पूरा कस कर लीजिए। आप छोटा छोटा टुकड़ा से भी कर सकती हैं, मैं पूरा ले ली हूँ। इस तरह से आपको कस करना है। ये देखिए, इस तरह से पूरा लौकी को कर लीजिए। मैं भगोना चढ़ा दी हूँ, अब उसमें आप एक चम्मच घी डाल दीजिए। बस एक ही चम्मच घी डालना है। घी मेरा हो गया, अब इसमें आप जीरा डाल दीजिए, ये इतना एक चुटकी जीरा। जीरा हो जाएगा। ये सब बचपन में बहुत हम लोग ठंडी में खाते थे। इसको लौकी से बना हुआ चावल बहुत ही अच्छा लगता है, दूध डालकर बनाया जाता है इसको। देखिए, जीरा मेरा हो गया। अब इस तरह से आप लौकी कर लीजिए। अब लौकी डाल दीजिए, बहुत आसान है बनाना, इसमें ज़्यादा झटपट बन जाती है। ये लौकी देखिए हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, नहीं तो लाल हो जाएगा, तो चावल भी लाल हो सकता है। इसमें आप अब दूध डाल दीजिए। एक पाव से थोड़ा चावल मेरा कम है, उसमें आधा किलो तीन पाव दूध आप डाल सकते हैं। थोड़ा गीला ही रहता है बनने के बाद। अब नमक डाल दीजिए। इसमें अंदाज से आप नमक डाल दीजिए। देखिए, दूध मेरा एकदम गर्म हो गया है, खोल गया है। अब इसमें आप ये चावल डाल दीजिए। आपको दूध अगर कम लगे तो आप थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकती हैं। इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गीला ही होता है ये। ये देखिए, ये मेरा खोल गया, एकदम खोल गया। अब इसको धीमा आँच कर दीजिए और चला कर इसे धीमा आँच कर दीजिए। चावल एकदम अच्छे से पक जाए। ये देखिए, लगभग मेरा तैयार हो गया लौकी नमकीन चावल। लौकी नमकीन चावल एकदम पूरा अच्छे से बन गया। इसको मैं गैस बंद कर दूंगी। हम गैस को अब बंद कर दें। ये देखिए, लौकी चावल दूध का नमकीन मेरा तैयार हो गया। इसको ऐसे बोला जाता है, इसका नाम है लौकी चावल, और आप लोग को पता नहीं, समझ में आता नहीं आता, इस वजह से इसका नाम नमकीन चावल लौकी रख दी हूँ मैं। इसका नाम है लौकी जाबर। इसको बहुत इसी तरह खाया जाता है। इसमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इस तरह से आप बनाएं और खाएं। देखिए कैसा इसका लज्जत होता है, कैसा स्वाद है। आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।